आज जो लेक्चर है उसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम वे इन विच सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन अराइज, हाउ टू सॉल्व देम एंड हाउ देयर सॉल्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली। इस लेक्चर में हम कुछ तरीके डिस्कस करेंगे जिसमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह बनती हैं, उनको सॉल्व किस तरह करते हैं और उनके सॉल्यूशन को ज्योमेट्रिकली किस तरह दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिटन एज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ लाइन, टेन ऑफ द एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट, द डिस्टेंस एट विच द स्ट्रेट लाइन मीट्स वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीधी लकीर की जो इक्वेशन होती है उसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जहाँ एम जो होता है वो इन द स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप होती है लाइन की वो एम, उसे एम को जाहिर करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रही होती है, एंगल ऑफ टेंजेंट उसे बोलते हैं, और जो सी होता है वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि उसके ओरिजिन और जहाँ से वाई एक्सिस जो लाइन गुजर रही होती है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। आगे थस ए लाइन इन आर स्क्वायर टू डायमेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए टू एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू बी, वेयर ए वन ए टू नॉट बात जीरो। आगे आर स्क्वायर में टू डायमेंशन में जो होती है इक्वेशन है उसको इस तरह दायर कर सकते हैं ए वन एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू बी वन, इसमें ए और ए वन ए टू यानी कि दोनों कांस्टेंट हैं, ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं, ये जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों दोनों जीरो होने चाहिए। सिमिलरली इस तरह प्लेन इन आर थ्री यानी कि तीन डायमेंशन स्पेस में कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन द फॉर्म थ्री डायमेंशन स्पेस में जो इक्वेशन होती है ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड इक्वल टू बी, या बी ए वन ए टू ए थ्री इनमें से जीरो नहीं होनी चाहिए। आगे इक्वेशन है अगर लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल, या एन वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू एक्स वन आगे एक्स एन तक जा रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स आगे जा रही है एन एक्स इक्वल टू बी, ये हाइपर प्लेन इन आर पावर एन है। यहाँ भी ए वन ए टू ए एन एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए आर नॉट ऑल जीरो, यहाँ भी ए जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए। आगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन द स्पेशल केस, इफ अगर बी इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, तो जहाँ अगर बी पावर जीरो बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन वन को ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स ए एन बी एक्स एन इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन इज कॉज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी इक्वेशन अगर इक्वल जीरो आ जाए तो उसे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आगे नोट करें ए लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट आर स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें प्रोडक्ट ही होना चाहिए, दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट ही होना चाहिए, ना ही उनका वेरिएबल का स्क्वायर रूट होना चाहिए। ऑल वेरिएबल अकर रूट ऑफ द फर्स्ट पावर, यानी जो भी वेरिएबल उसमें होते हैं एक्स वाई जेड उनकी पावर जस्ट वन होनी चाहिए, और उस इक्वेशन में डू नॉट अपीयर नहीं जाहिर होना चाहिए आर्गूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ना लॉगरिथमिक होना चाहिए और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें जस्ट वेरिएबल होनी चाहिए। आगे एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल हैं, पहली एग्जांपल है इक्वेशन है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस टू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स थ्री, ये कि लीनियर इक्वेशन आगे है एक्स टू बराबर है टू इंटू फाइव अंडर रूट प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री और बात लीनियर, दोनों लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है लाइन, एक लाइन बना रही होती है। आगे दो है दी फॉलोइंग इक्वेशन आर आल्सो लीनियर, ये दूसरी भी इक्वेशन है ये भी लीनियर है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इक्वल टू जीरो, आगे हाफ एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन
एक्स वन प्लस एक्स टू ई टू प्लस एक्स एन इक्वल टू वन आ गया है, थ्री है। द इक्वेशन थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एंड एक्स टू फोर इंटू एक्स वन माइनस सिक्स आर नॉट लीनियर। ये जो आखिरी है ना दो, ये लीनियर नहीं है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एक्स वन एक्स टू, ये आपको दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड द जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अंडर रूट आ गया है वेरिएबल के ऊपर, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ए फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट सेट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम। इक्वेशन की का एक सेट बन जाता है जिसमें कुछ इक्वेशन होती हैं, जैसे दो इक्वेशन, इक्वेशन का एक सेट बन गया है तो इसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द वेरिएबल इन सिस्टम आर कॉल्ड अननोन, जो वेरिएबल होते हैं उसे हम अननोन वेरिएबल कहते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होती है। फॉर एग्जाम्पल फोर एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू माइनस वन, आगे थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस नाइन एक्स थ्री इक्वल टू माइनस फोर इज अ लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन थ्री अननोन एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री वेरिएबल। ये दो इक्वेशन है जिसमें तीन अननोन वेरिएबल है। आगे जनरल जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल या जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन इन एन नॉन वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स एन कैन बी रिटन एज ए वन वन एक्स वन ए वन टू एक्स टू, आगे ए वन एन वन इक्वल्स टू बी वन, आगे से जा रहा है ए टू वन टू वन, ए से जा रहा है ए वन वन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एक किस्म का जा रहा है, दूसरे नीचे रखा है ए टू वन यानी कि सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम, आगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम ए टू टू, इसी तरह ए एम वन एक्स इक्वल टू ए एम एक्स टू, इस तरह ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इनका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर लीनियर सिस्टम इन अननोन एक्स वन एक्स टू एक्स वन इन ए सीक्वेंस ऑफ एन नंबर, ये एक सीक्वेंस होते हैं नंबर एफ वन एस टू एफ एन साइज दैट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्स वन एक्स टू एक्स रिस्पेक्टिवली मेड एवरी इक्वेशन इन द सिस्टम ए ट्रू स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। उनके तमाम जो सोल्यूशन आते हैं उनको एक सेट की शक्ल में लिखते हैं तो सोल्यूशन सेट कहते हैं। यानी वो जो वैल्यू में आती है कि वेरिएबल में पुट करें तो आगे इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, तो वो जो नंबर होते हैं उसे सोल्यूशन सेट कहते हैं। आगे लीनियर सिस्टम विद टू अननोन, यानी कि टू अननोन वेरिएबल है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट इन आर स्क्वायर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी क्रॉस करती हैं, वी गेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू नोन टू अननोन। फॉर एग्जांपल कंसीडर द लीनियर सिस्टम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, सो द सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ दिस सिस्टम इज इन फैक्ट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। जो पॉइंट होता है यहाँ मिलता है वो जहाँ से पॉइंट इंटरसेक्शन है, आपस में दो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नोट दैट देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई पे, इसके तीन मुमकिनात हो सकते हैं जो लाइन होती हैं। पहला इसकी क्या होता है पॉसिबिलिटीज है, द लाइन में भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, यानी लाइन सीधी जा रही है लेकिन डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही, किसी जगह भी आपस में मिल नहीं रही है। इन केस भी देयर इज नॉट इंटरसेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली नो सोल्यूशन, तो जहाँ कोई इंटरसेक्शन ना हो तो उसका कोई हल नहीं है, तो नो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर दूसरे देखते हैं द लाइन में इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, यहाँ लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर आपस में मिलती है, विच कैन बी सिस्टम एट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो उसका एक सोल्यूशन होगा। आगे तीन है द लाइन में कंसाइड, कंसाइड कंसाइड होता है इन विच के देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ एक से ज्यादा इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा लामहदूद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ
वो मिलती है, द पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन एक लाइन बनती है तकरीबन, द कॉन्सिक्वेंटली इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन, तो उसके लामहदूद बहुत ज़्यादा उसके आले सोल्यूशन हैं। आगे क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ए लाइन ए लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इट कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन है सिस्टम इक्वेशन, अगर उनका कम से कम एक सॉल्यूशन मिलता है हमें तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट, अगर कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। थस ए कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू अननोन हैज ईदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट जो होती है लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, उसमें से कोई दो अननोन वेरिएबल के उसमें या एक सॉल्यूशन होगा या लामहदूद सॉल्यूशन होंगे, उसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जांपल मिसाल के तौर पर देखें, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल हैं, पहली है एक्स वन माइनस टू एक्स टू इक्वल टू माइनस वन आ गया, दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्वल टू थ्री। सॉल्व द इक्वेशन सिमल्टेनियस, पहले सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एडिंग बाथ इक्वेशन, दो इक्वेशन को ऐड करें तो ये एक्स वन आपस में कैंसिल हो जाते हैं और थ्री एक्स टू से माइनस टू एक्स माइनस करें तो एक एक्स बच जाता है, तो एक्स की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू टू आ जाती है। तो यो एक्स टू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमें एक्स वन की वैल्यू थ्री आ जाती है। सो दी एक्स वन को थ्री, ये आगे ग्राफ है, एक्स वन को थ्री पर पॉइंट करें, एक्स टू को टू पर पॉइंट करेंगे, दो लाइनें लगती हैं यहाँ इस पॉइंट पर लग जाती हैं। सो द लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम, ये ग्राफ इस तरह बनता है कि आप अगर पहली इक्वेशन में एक्स को ज़ीरो पुट करें तो हम एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स टू को ज़ीरो पुट करें तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें एक लाइन वो वहाँ वो पॉइंट लगा दें जहाँ भी एक्स वन होगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो एक लंबी लाइन लगा दें। फिर इस तरह दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वन को ज़ीरो पुट करें तो एक कोई एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स टू को ज़ीरो पुट करें तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों लाइनों को आपस मिलाएं, तो जब दोनों लाइनों को आपस मिलाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, थ्री टू, यानी कि वहाँ एक्स की वन की वैल्यू थ्री है और एक्स टू की वैल्यू टू है, तो उस जगह पर ये आपस में मिलेंगी। अगर जो सिस्टम है नो सोल्यूशन, अगर इन दोनों इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये जो ए है एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू थ्री, यहाँ दोनों आपस में ऐड करें तो ये एक्स वन आपस में कट जाते हैं, माइनस एक्स टू प्लस एक्स टू से कट जाते हैं और ज़ीरो इक्वल टू टू के इक्वल आ जाता है। तो ज़ीरो इक्वल टू इसका यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, ज़ीरो टू तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता ना, तो अब इसको आप किस तरह पता चलेगा, ये दोनों लाइनें सीधी जा रही, वही तरीका है, एक्स को पहले ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स टू को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को पॉइंट करके तो आपस में एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे, फिर दूसरी क्वेश्चन में एक्स को वन को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स टू को ज़ीरो पर एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर दोनों को आपस में मिलाएंगे तो लाइन लगाएंगे, देखेंगे दोनों लाइन आपस में किसी जगह भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब इसी तरह ये बी है, यहाँ भी इक्वेशन दें, दोनों को आपस में ऐड करें तो सब काट जाती हैं, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब एक इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अब देखें, अगर पहली इक्वेशन में हम एक्स को ज़ीरो पुट करें तो एक्स टू की एक वैल्यू आ जाती है, एक्स टू की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर एक्स वन की वैल्यू आ जाती है, उसका भी वही आंसर होगा जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी है, दोनों इक्वेशन का सेम ही आंसर आएगा, तो एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन बिल्कुल आएगी, इसलिए वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पर आपस में मिल रही है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, तो इसके लामहदूद सॉल्यूशन है। आगे लीनियर सिस्टम विद थ्री अननोन, यानी तीन अननोन वेरिएबल हमें ना मालूम वेरिएबल है जिनकी वैल्यू में मालूम करनी है, कंसीडर आर ए लीनियर सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन, एक्स वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। इन दिस केस ग्राफ द
each equation in this in a plane. So the equation of the system, if any correspondent to the point where all three point intersect. जहाँ तीन पॉइंट प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करें एंड गेन वी सी दैट देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ये देखें पहला एक में कोई सोल्यूशन नहीं, उसमें वो पॉइंट है वो आगे पीछे कोई भी लाइन नहीं बना रहा, यानी किसी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ दो लाइने एक दरमियान में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सोल्यूशन है इन ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से गुजर रही है, या ओरिजिन से कोई लाइन गुजर रही है, यहाँ ओरिजिन से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ ओरिजिन से बहुत ज्यादा लाइनें गुजर गई और इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन है इसका। थ्योरम वन, थ्योरम, इफ एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज जीरो वन एंड इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज। कि थ्योरम कहता है कोई भी सिस्टम में उसके इक्वेशन हैज उसका सॉल्यूशन का जीरो, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं, एक हो सकता है या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एग्जाम्पल वन, सॉल्व द लीनियर सिस्टम, एक इक्वेशन है उसका सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, दोनों को ऐड करें तो एक्स की वैल्यू में 7/3 आती है, तो x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करें तो हमें y की वैल्यू 4/3 आती है। तो सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन है x 7/3 और y 4/3 आएगा। ज्योमेट्रिकली दिस मीन दैट द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन द सिस्टम इंटरसेक्टिंग सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, थस एज अ यूनिक सोल्यूशन। आगे एग्जाम्पल टू, आर सोलिनियर सिस्टम, आगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, थ्री एक्स थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, तो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट इक्वेशन बाई थ्री एंड देन सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन, वी ऑब्टेन जीरो इक्वल टू सिक्स। पहली इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई करें तो आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जीरो इक्वल टू जाता है। द इक्वेशन इज कंट्राडिक्टरी, यानी कि सिक्स जीरो इक्वल तो इक्वल नहीं हो सकते, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल दिस मीन दैट दिस लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन टू द इक्वेशन इन ओरिजिनल सिस्टम और पैरालल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये जो दो लाइनें हैं पैरालल होंगी, ठीक है, उत्पादी जा रही होंगी लेकिन आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सार द लीनियर सिस्टम, आगे एग्जाम्पल है 4x माइनस 2y इक्वल टू 1 और 16x माइनस 8y इक्वल टू 4, इन दोनों को ऐड करें तो ये पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 16x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 4, इन दोनों को ऐड किया तो दोनों साइड हुआ 0 0, आ गए दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम वैल्यू x एंड y दैट सेटिस्फाई द सिंगल इक्वेशन 4x minus 2y equal to 1. Geometry this means the corresponding two equation in the origin system coincide and the system has infinitely many solution. ठीक है, सोल्यूशन रखता है तो यानी कि इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, यहाँ 0 इक्वल टू 0 आ जाए। अगे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेंट इन द केस टू एक्सप्रेस इट पैरामेट्रिकली, हमें अपने आसानी के लिए इक्वेशन को पैरामेट्रिकली डिस्क्राइब करते हैं। वी कैन डू दिस बाई लेटिंग, इसमें हम वाई को टी के ऊपर पुट करते हैं एंड सॉल्व द इक्वेशन एक्स इन द टर्म ऑफ टी और एक्स को इन द टर्म ऑफ टी पुट कर सॉल्व करते हैं, और लेटिंग एक्स इक्वल टू टी, या हम एक्स को टी पुट करते हैं और वाई को इन टर्म ऑफ टी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी अप्रोच यील्ड द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन, पहले हम एक
पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं बाई टेकिंग वाई इक्वल टू टी इन द इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन में वाई को टी के इक्वल पुट करते हैं। पहले हम एक्स को इक्वेशन 4x-2t इक्वल टू 1, यानी वाई को यहाँ टी के इक्वल पुट किया तो हमने यहाँ एक्स को अलग कर लिया। ठीक, एक्स को अलग कर लिया तो एक्स एक साइड पर ले गए तो एक्स इक्वल टू 1/4 + 1/2 × t। वी नो दैट दिस ऑब्टेन सम सॉल्यूशन ऑफ दोस सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉर द पैरामीटर। यहाँ कोई भी वैल्यू ऐड करके तो एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जितनी वैल्यू पुट करें 1 2 3। आगे एग्जांपल देखते हैं। फॉर टी इक्वल टू, अगर मैं टी को 0 पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू 1/4 आ जाती है। अगर टी को 1 पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू 3/4 आ जाती है। अगर टी को -1 पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू -1/4 आ जाती है। टी की -1 है ये साथ। आगे है सॉल्व द लीनियर सिस्टम। यहाँ तीन इक्वेशन आ गई हैं, x-y+2z=5, 2x-2y+4z=10, अगर 3x-3y+6z=15। आगे सॉल्यूशन सिंस द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट। जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है मल्टीपल फर्स्ट है, यानी कि पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है, अगर दूसरी पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तीसरी इक्वेशन बन जाती है। ज्योमेट्रिकली दिस मीन दैट द थ्री प्लेन कंसाइड एंड दोज वैल्यू एक्स वाई एंड जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन x-y+2z=5, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई ऑल थ्री इक्वेशन। यानी कोई भी इक्वेशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगी तो वो इन तीनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी। मिसाल में अगर देखते हैं कि अगर वी एक्सप्रेस द सॉल्यूशन सेट पैरामेट्रिकली, इसको हम पैरामेट्रिकली सॉल्व करते हैं। सम सॉल्यूशन आगे एक्स इक्वल टू 5, एक्स को अलग हमने एक्स की वैल्यू को अलग कर लिया तो यहाँ वाई को टी 1 और जेड को टी 2 पुट किया तो 5+t1-t2। दो सम सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द पैरामीटर। हम कुछ भी वैल्यू टी की पुट करते हैं इक्वेशन में, पहली इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वी टेक वाई, यानी कि टी 1 = 2 पुट करते हैं और जेड की वैल्यू 3 पुट करते हैं, अपने पास से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, एक्स की वैल्यू 1 बन जाती है, वाई की वैल्यू 2 और जेड की पावर 3। और यही अगर वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड पर साइड इक्वल आ जाती हैं। उसी इक्वेशन में अगर पुट करें तो पहले एक्स की जगह 1 पुट किया, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 3, तो दोनों साइड पे 5y आ जाता है। ये नहीं है, यही वैल्यू अगर तीनों इक्वेशन पुट करें तो ये तीनों इक्वेशन बराबर हो जाती है। हेंस एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू z इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम वेरीफाइड। आगे मैट्रिक्स नोटेशन है, मैट्रिक्स की शक्ल बनती है। द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ लीनियर सिस्टम कैन बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर एरे कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में आए तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल सिस्टम ये देखेंगे, x1-x2x3=0, 2x2-x3=8 और 4x1+5x2+9=-9। तो इसको एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है। विद द कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल अलाइंड इन कॉलम द मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल के उनको एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देते हैं। इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर सिस्टम और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं। द आर्गुमेंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद एड विद एन एडेड कॉलम कंटेनिंग द कंस्टेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता है, जो कंस्टेंट राइट साइड, वो भी उस मैट्रिक्स में शामिल कर देते हैं। ए भी तो शायद लिखे हुए थे पहले 0, 8 और -9, वो भी उसे कॉलम की शक्ल में ऐड कर दिया है, उसे आर्गुमेंट
आर्गुमेंटेड मैट्रिक कहते हैं। आगे सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम, एक लीनियर सिस्टम की सॉल्व करते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम वी यूज नंबर ऑफ मेथड, हमें बहुत से मेथड है। फर्स्ट ऑफ देम इज गिवन बिलो, जो पहला है वो नीचे दिया हुआ है, सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड, यानी पहला है जो सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड द एक्स टर्म इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज यूज टू एलिमिनेट एक्स टर्म इन द अदर इक्वेशन, यहाँ जो पहली इक्वेशन में उसमें से एक्स वन की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए दूसरी जो इक्वेशन में एक्स वन की वैल्यू है उनको ख़त्म किया जाता है। इस तरह वी यूज एक्स टू टर्म इन द सेकंड इक्वेशन, इस तरह में जो दूसरी इक्वेशन में एक्स टू वाली टर्म है एक्स टू को इस्तेमाल करते हुए एक्स वन और एक्स थ्री में जो एक्स टू है उनको इलिमिनेट ख़त्म किया जाता है। इस तरह सो वन इस तरह आगे चलता रहा, जिस तरह एक्स थ्री वाली इक्वेशन है तीसरे में से एक्स थ्री को इस्तेमाल करते हुए पहली और दूसरी में से एक्स थ्री को इलिमिनेट किया जाता है। आगे ये देखें एग्जाम्पल है, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू एट माइनस फोर एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस नाइन एक्स थ्री इक्वल टू माइनस नाइन। सोल्यूशन है, वी परफॉर्म द एलिमिनेशन प्रोसीजर विद एंड विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन, या मैट्रिक्स नोटेशन मैट्रिक्स नोटेशन के बगैर दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। एंड प्लेस द रिजल्ट साइड बाई साइड फॉर द कंपेरिजन, और दोनों का रिजल्ट साइड साइड बाई साइड लिखते हैं। पहले ये इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन और इनको मैट्रो की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इनको सिमिल्टेनियस से सॉल्व किया, यानी कि दूसरी इक्वेशन टू एलिमिनेट एक्स टर्म इन द थर्ड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन पर दूसरी इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू है नहीं, तीसरी इक्वेशन में एक्स है तो उसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई किया और तीसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहले क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाते फोर एक्स वन माइनस एट एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, तो तीसरी इक्वेशन में ऐड किया तो फोर एक्स वन फोर एक्स माइनस फोर एक्स वन आपस में कैंसिल हो गए, तो माइनस एट एक्स टू से फाइव प्लस फाइव एक्स टू माइनस किया तो ये माइनस थ्री एक्स टू और फोर और नौ ऐड किए तो थर्टीन बन गया, और इक्वल टू जीरो में से माइनस नौ ऐड हुए तो माइनस नाइन आ गया। आगे ये इस तरह शक्ल बन गई है, जो तीसरी इक्वेशन है अब वो इस तरह बनी है, पहली इक्वेशन तो सेम रहती है, एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स टू माइनस एट एक्स इक्वल टू एट, और ये जो तीसरी इक्वेशन है अब बन गई है उसकी ये शक्ल है माइनस थ्री एक्स टू प्लस थर्टीन एक्स इक्वल टू नाइन, इस तीसरी में दोनों इक्वेशन में से एक्स वन एलिमिनेट हो गया है। अब देखें इसको मैट्रिक्स की शक्ल में इनके कोफिशेंट भी इस तरह लिखे गए, वन माइनस टू वन जीरो, टू जीरो टू माइनस एट एट जीरो माइनस थ्री थर्टीन माइनस नाइन, ये इस तरह बन गया। अगर नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई टू बाई हाफ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फर्स्ट एज द कोफिशिएंट ऑफ द फॉर एक्स टू, अब ये देखते हैं, अब ये इक्वेशन बन गई है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री एक्स टू प्लस थर्टीन एक्स इक्वल टू माइनस नाइन, जो इसमें सेकंड इक्वेशन है उसको आप से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि एक्स टू का कोफिशिएंट अलग है, ये जस्ट एक्स टू हमें चाहिए था सेकंड इक्वेशन में, तो हमें इसमें से टू को ख़त्म करना है, यहाँ कोफिशिएंट बिल्कुल अलग अलग था, यानी ख़त्म करना जस्ट वेरिएबल चाहिए, तो इस पहले वैसे बिल्कुल वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, कोफिशिएंट उसे ख़त्म किया है, पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये नई इक्वेशन बन गई है सेकंड एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री प्लस फोर, इसको इस तरह मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा। अब जो एक्स एक्स टू है इसमें से थर्ड इक्वेशन में से हमें एलिमिनेट करना है, एडिंग थ्री टाइम इक्वेशन टू टू इक्वेशन थ्री, जो इक्वेशन है टू है उसको तीन से मल्टीप्लाई
करें तो इक्वेशन है, थ्री में ऐड करें तो ये इक्वेशन थ्री हमें मिल जाती है। उसमें से 3x2 प्लस x2 वो ख़त्म हो जाते हैं, और 12x3 में से 13x3 निकालें तो जस्ट एक्स बन जाता है और आगे 4 आ जाता है, जस्ट x3 बन जाता है, और उसमें से 12 में 9 निकालें तो जस्ट 3 आ जाता है। यानी कि इक्वेशन 3 अब मैं जस्ट एक्स की वैल्यू में मिल गई है, यहाँ एलिमिनेट। तीसरी इक्वेशन में x1 x2, दूसरी इक्वेशन में जस्ट x1, पहली इक्वेशन में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। अब ये जो है ये इस तरह की शक्ल बन गई है मैट्रिक्स की। नो यूजिंग थर्ड इक्वेशन एलिमिनेशन द x3 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इट मीन मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विद 4 एंड ऐड इन द सेकंड इक्वेशन, देन सब्ट्रैक्ट द थर्ड इक्वेशन द फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट अब जो पहली इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, उसमें से हम एलिमिनेशन करेंगे तीसरी इक्वेशन में से x3 की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन, इट मीन मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन 4 ऐड इन द सेकंड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन में ऐड करेंगे तो उसमें से x3 खत्म हो जाएगा, तो उसमें से जब x2 की वैल्यू है रह जाएगी 16। और इसी तरह तीसरी और पहली इक्वेशन आपस में ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से x3 खत्म हो जाएगा, तो वो बन जाएगी x2 माइनस 2x3 इक्वल टू माइनस 3। तो ये आपस में इस तरह की शक्ल आ जाएगी, एक्स माइनस 2x इक्वल माइनस 3। एडिंग टू टू टाइम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन वी यू ऑब्टेन द रिजल्ट। अब क्या कहते हैं कि जो इक्वेशन टू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में से भी x2 माइनस x2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो जस्ट x1 आ जाएगा 29, x2 16 और x3 3 वैल्यू आ जाएगी, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो कंप्लीट द सॉल्यूशन और वर्क इंडिकेट द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द रीजनल सिस्टम इज 29, 16 एंड 30। टू वेरीफाई 29, 16 and 30 solution, substitute these values into left side of the system x1, x2, x3 and after completing the set, अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन में भी किसी में पुट करें तो ये हमें आंसर आ जाए। पहले इक्वेशन में पुट करें 0 के इक्वल आ जाती है, दूसरे पुट करें 8 के, और दूसरी तीसरी इक्वेशन में पुट करें तो ये 9 के इक्वल आती है, यानी दोनों साइड बराबर हो जाती है। द रिजल्ट एग्री दैट द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम सो 29, 16, 30 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इसे सिस्टम का सोल्यूशन कहते हैं। आगे द एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट को ऑपरेशन ऑन इक्वेशन इज ए लीनियर सिस्टम करस्पोंडिंग टू द ऑपरेशन ऑन अप्रोप्रिएट रो ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जो थ्री बेसिक ऑपरेशन लिस्टेड एलडीआर करस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स, आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स में आगे ये एक ऑपरेशन लगाई गई। आगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेस वन रो बाय सम ऑफ इटसेल्फ एंड नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर रो। दूसरा होता है इंटरचेंज करते हैं, पहली में रो यानी रिप्लेस में तब्दील कर देते हैं, दूसरी में इंटरचेंज कर देते हैं, तीसरी इंटरचेंज टू रो को आपस में उनकी पोजीशन तब्दील कर देते हैं, और तीसरे में स्केलिंग है, मल्टीप्लाई एंट्रीज इन द रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके
नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को बराबर कर देते हैं। रो इक्वलेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक बी इज सेड टू बी रो इक्वलेंट टू ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ बी इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए बाय परफॉर्मिंग ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए। अब देख, इफ ए एंड बी आर रो इक्वलेंट मैट्रिक्स देन वी राइट द एक्सप्रेस मैथमेटिकली ए इक्वलेंट बी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है दो मैट्रिक्स में तकरीबन इक्वलेंट होंगे, आर रो इक्वलेंट मैट्रिक्स, दो रो इक्वलेंट मैट्रिक्स बिटवीन वी एड फोर टाइम योर फर्स्ट रो इन द थर्ड रो इन द फर्स्ट मैट्रिक। देखिए, जो 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 तीसरी रो है उसको फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाती है थर्ड रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। ऐड करनी पड़ती है, यानी कि पहली जो मैट्रिक्स है उसको पहली इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई करें, फिर उसको जो है इक्वेशन रो थ्री है उसमें ऐड करें, तो जो जो सेकंड है मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है वो बन जाती है। नोट इफ द आर्गुमेंट मैट्रिक्स आर टू लीनियर सिस्टम आर रो इक्विवेलेंट देन टू सिस्टम हैव द सेम सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन इक्विवेलेंट हो तो उनका सॉल्यूशन भी सेम सॉल्यूशन सेट बनता है। रो ऑपरेशन एक्जेक्टली इजी टू परफॉर्म बट दे हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस। ठीक, ये आसान लेकिन उसे उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टू फंडामेंटल क्वेश्चन, दो बुनियादी सवालात। पहला है, अगर फर्स्ट ऑफ इज द सिस्टम कंसिस्टेंट, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इज डज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर वन एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कम अज कम इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इज द ओनली वन देन इज द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ये कह दिया वो सॉल्यूशन यूनिक है, वी try answer the question why a row operation on the argumentative matrix, argumentative matrix mein se karenge, determine the following system a linear equation is consistent, yani ke isko apply karenge iske solution hai ye matrix se equation hai x1 minus 2x plus x3 equal to 0 2x2 minus 8 x3 equal to 8 minus 4x plus 5x 9x equal to 9 first we obtain triangular matrix by removing x1 x2 from the third equation and removing x2 from the second equation. We divide the second equation by 2, we get. अब दूसरी equation उसको हमने 2 से divide किया है तो यहाँ x2 वाला दा बिल्कुल हो गया है, ये बन गया है x1 minus 2x2 plus x3 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन बन गया x2 minus 4x3 equal to 4 और तीसरी इसी तरह ही है। नो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वाज फिट फोर एडिंग इन द थर्ड इक्वेशन एलिमिनेट द x1, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन में ऐड कर दिया तो वहां से x तीसरी इक्वेशन में से x1 एलिमिनेट हो गया है। और इसी तरह नो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बी थ्री एंड ऐड इन द थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन जो टू है उसको तीन से मल्टीप्लाई किया और तीसरी इक्वेशन में ऐड कर दिया तो तीसरी इक्वेशन से भी एक्स टू मल्टीप्लाई होगा, जैसे में एक्स थ्री की वैल्यू आ गई है। अब एक्स थ्री की वैल्यू एक्स टू में पुट करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू एक्स वन में पुट
करेंगे तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। नो द सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज अ यूनिक, सुनो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। आगे इक्वेशन एग्जांपल 7 है, सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सॉल्व करें कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये भी इसी तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसको बनाना है। ठीक है, इसमें टू ऑब्टेन एक्स वन इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वन नहीं है तो इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो को में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो पहली रो थी उसको दूसरी और दूसरी को पहली आपस में इंटरचेंज हो गई है। आगे अगर टू एलिमिनेट 5x1, तीसरी इक्वेशन में 5x1 को एलिमिनेट करने के इन द थर्ड इक्वेशन एडिंग -5 एवरी रो ऑफ 1 टू द रो 3, जो पहली इक्वेशन में उसको 5/2 से मल्टी -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो तीसरी इक्वेशन में से x1 को वाला वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह नो x2 जो है वो रिमूव करना है इन द सेकंड इक्वेशन टू एलिमिनेट -x, वो यूज x2 इन द सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन में x2 को इस्तेमाल करते हुए था थर्ड इक्वेशन में से -1 और x2 उसको एलिमिनेट करेंगे तो एडिंग ऑफ टाइम रो 2 टू इक्वेशन 3, यानी पहली इक्वेशन 2 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी इक्वेशन में से ऐड करके देंगे तो तीसरी इक्वेशन में से x2 रिमूव हो जाए, लेकिन यहाँ x3 भी रिमूव हो जाता है। तो द आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज इन ए ट्राइंगल फॉर्म द इंटरप्रेट इज करेक्टली, सो वी गो बैक द इक्वेशन, तो इक्वेशन जो बन जाती है वो 2x2 -3x2 + x3 = 1, 2x2 - 4x3 = 8, 0 = 2.5, देयर आर नो वैल्यू ऑफ x1 x2 3, वी सेट टू बी कॉल्ड द इक्वेशन 0 इज नेवर ट्रू। अब जो तीसरी जो पॉइंट मिल गया 2.5 जीरो के इक्वल होता है ये ट्रू नहीं है, तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए।